कुछ सवाल हमेशा पूछे जाते हैं, जैसे अंडा पहले आया या मुर्गी, अंडा शाकाहारी है या मांसाहारी, और मुर्गी ही तो अंडा देती है तो नॉनवेज हुआ ना। इसका जवाब शायद किसी के पास नहीं होता, लेकिन इन बातों पर चर्चा जरूर होती है। वहीं कुछ वैज्ञानिकों ने इसका जवाब ढूंढ निकाला है। शाकाहारी लोग अंडे को मांसाहारी मानकर उसे नहीं खाते। उनके मुताबिक अंडा मुर्गी से आता है और मुर्गी नॉनवेज होती है, इसलिए अंडा भी नॉनवेज हो गया। लेकिन साइंस का मानना है कि दूध भी तो जानवर से आता है, तो दूध शाकाहारी कैसे हो सकता है, उसे भी नॉनवेज क्यों नहीं माना जाता। वैज्ञानिकों के मुताबिक शाकाहारी लोगों को लगता है कि अंडे से बच्चा निकलता है, लेकिन उनका ये मानना बिल्कुल गलत है, क्योंकि मार्केट में मिलने वाले अंडे अनफर्टिलाइज्ड होते हैं, यानी जिनसे चूजे बाहर नहीं आ सकते, इसलिए अंडे शाकाहारी होते हैं। वैज्ञानिकों के अनुसार शाकाहारी लोगों को लगता है कि अंडे से चूजा निकलता है, लेकिन उनका ये मानना बिल्कुल गलत है, क्योंकि बाजार में मिलने वाले अंडे अनफर्टिलाइज्ड होते हैं, जिनसे चूजे कभी बाहर ही नहीं आ सकते। दरअसल अंडे में तीन लेयर होती हैं, पहला छिलका, दूसरा उसकी सफेदी और तीसरा अंडे की जर्दी। अंडे पर की गई रिसर्च के मुताबिक अंडे का जो दूसरा लेयर होता है, यानी सफेद वाला, उसमें सिर्फ प्रोटीन होता है, जिसमें जानवर का कोई हिस्सा नहीं होता, इसलिए अंडे का ये एरिया शाकाहारी होता है। अब बात अंडे की तीसरे लेयर की करें तो तीसरे लेयर में कोलेस्ट्रॉल होता है, जिससे फैट बढ़ता है। हालांकि इसका ये एरिया कुछ परसेंटेज नॉन वेज में आता है, क्योंकि अंडे मुर्गी और मुर्गे के संपर्क में आने के बाद ही दिए जाते हैं, जिसमें गैमेट सेल्स मौजूद होते हैं। जब मुर्गी 6 महीने की हो जाती है तो हर दिन या 1.5 दिन में एक अंडा देती है, लेकिन अंडे देने के लिए वो मुर्गे के संपर्क में आए ये जरूरी नहीं है। इन अंडों को अनफर्टिलाइज्ड एग्स कहते हैं। वैज्ञानिकों का दावा है कि इनमें से चूजे कभी नहीं निकल सकते, इसलिए अंडे को शाकाहारी माना जा सकता है।